नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूपटॉप नर्सरी स्टाइल। दोस्तों, ये मेरे सामने जो पौधा फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये है सल्विया फ्लावर प्लांट्स। तो देखिए कितना अच्छा इसमें ब्लूमिंग चल रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स है इसका। बहुत सारा डिफरेंट कलर्स में इस फ्लावर प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन मेरे पास जो है दोस्तों ये चार ही कलर मेरे पास है जो कि ब्लूमिंग कर रहा है और बहुत ही अच्छा ब्लूमिंग चल रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो है आज कंप्लीट मैं केयर टिप्स मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी प्लांट्स को ग्रो करके इतना अच्छा ब्लूमिंग प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों चलिए देखिए पूरा वीडियो। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सल्विया प्लांट जो कि एक पेरिनियल प्लांट भी होता है और एनुअल भी होता है। तो दोस्तों इसका हाइब्रिड वाला भी मिलता है और ऐसे मतलब नॉर्मल जो वैरायटी है वो भी मिलता है। इस फ्लावर प्लांट एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख ही सकते हैं कि इसका जो कलर है, जो इसका शेप है बहुत ही अट्रैक्टिव है और डिफरेंट कलर्स भी बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप देख रहे हैं ये रेड है, ये पर्पल है, कुछ हल्का रेड है और देखिए ये वाइट है, वाइट ग्रीनिश के साथ वाइट है। तो दोस्तों ये और भी कलर्स है इसका, लेकिन मेरे पास जो है ये चारों कलर में ये ब्लूमिंग कर रहा है। मेरे पास जो पौधा और भी है लेकिन उसमें भी यही कलर्स है। तो दोस्तों ये जो प्लांट एक पेरिनियल भी होता है और ऐसे नॉर्मल जो कि एनुअल भी होता है, तो सीड से ग्रो कर सकते हैं या तो आप सीडलिंग्स जो है नर्सरी से लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो कलर आप देख रहे हैं, कलर्स मतलब ऐसे तो मतलब कहना पता नहीं चलता कि कौन सा कलर इसमें होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है अंदाजा कर सकते हैं कि इसका कलर्स कौन सा होगा। तो उसको जो है आप देख सकते हैं कि इसका ये देखिए जो स्टेम है, इस स्टेम को देख के मतलब आपको थोड़ा बहुत मतलब पता चल सकता है कि ये कौन सा कलर का फ्लावरिंग होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों एक इजी ग्रोइंग प्लांट है, आप इसको इतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट जो है मैं सॉइल की बात करूँगा। तो दोस्तों कुछ भी प्लांट्स जो भी विंटर फ्लावर प्लांट्स है उसको जब आप पॉट में ग्रो करते हैं तो उसके लिए जो है एक तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी होना चाहिए, जो मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरा होना चाहिए, साथ में जो है उस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स होना चाहिए जैसे काउडंग मैन्योर या तो बर्मी कंपोस्ट। एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेंगे तो एक हिस्सा जो है आप कंपोस्ट मिलाइए और एक हिस्सा जो है आप सैंड मिलाइए, ताकि आपका जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड भी हो और साथ में जो है वो फर्टाइल भी हो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है इसके सनलाइट की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों एक ये सन लवर है, आप इसको फुल सन में रखिए, लेकिन जैसे जैसे विंटर ख़त्म होते जाता है तो ये जो है थोड़ा बहुत आपको इसको जो है सेमी शेडेड एरिया में इसको रखना चाहिए। जब विंटर में आप इसको फुल सन में रखिए, 6 से 7 घंटे इसको फुल सन में आप रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें फ्लावरिंग चल रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और साथ में जो इसका स्पाइक निकलता है, तो स्पाइक जो फ्लावर निकलता है शुरू में जो है ये देखिए ये शुरू वाला जो है ये ऐसे होता है और फिर दोबारा जो है इसके अंदर से जो है एक और जो है पेटल्स निकलता है। तो इसका जो है यही ब्यूटी है, ये स्पाइक जो है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख ही सकते हैं कि देखिए ये जो पर्पल वाला है, देखिए ये दूसरा पेटल्स जो निकला इसके अंदर से, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर है इसका। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जब ये पूरा जब खिल जाता है। तो दोस्तों इसका वाटरिंग की मैं बात करता हूँ। दोस्तों ये जो है आप इसको रेगुलर बेसिस पे वाटरिंग कीजिए। वाटरिंग आप इसको जब तक ऊपर का सॉइल नहीं सूख जाता है तब तक आप इसको वाटरिंग मत कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो है ड्रॉट को मतलब सूखे को थोड़ा सा जो है बियर कर सकता है। आप जैसे ऊपर का सॉइल सूख जाता है तो तब भी आप इसको वाटरिंग कीजिए, ओवर वाटरिंग मत कीजिए। ओवर वाटरिंग से जो है ये इसका जो लीव्स है ये पीला पड़ जाता है और साथ में आपका ये जो इसका जो जड़ है वो आपका सड़ सकता है, आपका पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए वाटरिंग रेगुलर बेसिस पे करना है, लेकिन जो ऊपर का सॉइल जब तक ऊपर का सॉइल चेक करके ही आपको जो है वाटरिंग करना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसको बूशी बनाने के लिए आपको पिंचिंग इसको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मतलब शुरू में जब आप
इसको छोटे पॉट में ग्रो करते हैं जो सीडलिंग्स, जैसे 3-4 इंच का पॉट में आप ग्रो करने के बाद जब आप इसको फाइनल पॉटिंग करते हैं तो फाइनल पॉटिंग के कुछ दिन के बाद ही देखेंगे आपका पौधे में जो है पहला जो है एक फ्लावर मतलब बनने शुरू हो जाता है। तो उस फ्लावर को जो है आप रखना नहीं है, उसको पिंच कर देना है। तो दो से तीन बार पिंच कर देंगे, जैसे फ्लावर को पिंच करते हैं तो फिर दूसरा जो है वहाँ से ब्रांचेस निकल जाता है। तो ऐसे जो है आपका जो सल्विया प्लांट है वो बुशी बनता है। पिंचिंग करने से ब्रांचेस ज़्यादा निकलेगा, और ब्रांचेस ज़्यादा निकलेगा तो ऑब्वियसली आपका जो फ्लावर स्टॉक है, ये जो स्टॉक निकलता है ये ज़्यादा आपको निकलेगा और अच्छा मतलब कहना फ्लावरिंग होगा। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट जो है फर्टिलाइज़र की मैं बात करता हूँ। जो फर्टिलाइज़र है, जैसे शुरू में आपने सॉइल के साथ मिक्स किया जो फर्टिलाइज़र, जो भी आपने काउडंग मैनियर हो या वर्मी कंपोस्ट या तो लीव कंपोस्ट आप डालते हैं, तो उसमें उसके साथ भी जो है आपको निमखोली भी ऐड करना है। और उसके बाद जब इसका फ्लावरिंग के टाइम होता है तब आप इसको जो है आप बोन मिल, थोड़ा निमखली और थोड़ा सा पोटाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक केमिकल खाद है, लेकिन उसको बहुत ही कम मात्रा में आप यूज़ करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे एक एक पॉट के लिए आप जैसे हाफ टीस्पून से भी कम थोड़ा थोड़ा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाट्स बनता है तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। मस्टर्ड के पाउडर को भिगो के आप उसका जो पानी है बिल्कुल लाइट करके, मतलब दूसरे फ्रेश पानी से उसको डाइल्यूट करके आप उसको दीजिए। 10-15 दिन के बाद आप उसको उस फर्टिलाइजर को यूज़ करेंगे तो आपका पौधा जो है हेल्दी भी रहेगा और साथ साथ ब्लूमिंग भी अच्छा करेगा। तो दोस्तों इसका जो फ्लावरिंग टाइम है दिसंबर 10-15 से जो है इसमें जो है बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया था। तो देखिए तब से लेके अभी तक जो है इसमें फ्लावर ये धीरे धीरे जो है पूरा ब्रांचेस में मतलब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया और फ्लावरिंग कर रहा है, और हर स्पाइक जो है ये कम से कम 4 से 5 इंच का जो है लंबा हो गया। तो ये जो फ्लावर है ये धीरे धीरे लंबा हो जाता है स्पाइक, और ये साथ साथ जो है ये फ्लावर्स जो है खिलते रहते हैं। अप्रैल मई तक अगर फ्लावरिंग इसमें से मिलना है, जैसे ही मतलब क्लाइमेट वार्म हो जाता है, धूप तेज हो जाता है, तो फिर आप इसको जो है फुल सन में मत रखिए, आप इसको जो है सेमी शेडेड में रखिए ताकि इसका जो फ्लावर्स है ये लंबे समय तक मतलब चलता रहे। लेकिन दोस्तों ये तभी मतलब कहना आपको दोबारा जो है फ्लावरिंग करेगा जब इसका जो स्पाइक है ये पूरा सूख जाता है, तो आप उस स्पाइक को जो है इसको तोड़ दीजिए, तो फिर दोबारा जो है ये साइड से जो है इसका ब्रांचेस निकलेगा और दोबारा जो है फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है दोस्तों इसमें ये पेस्ट का भी अटैक होता है, जैसे स्पाइडर माइट्स है, जैसे एफिड्स है, इवन मिलीबग्स भी लग सकता है। तो उससे छुटकारा मिलने के लिए आप टाइम टू टाइम जो है इसको कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे नीमोइल है आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो 10-15 डेज में एक बार स्प्रे कर दीजिए और किसी भी इंसेक्ट से आप इसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों इतना अगर आप इस फ्लावर प्लांट को केयर कर लेंगे तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो जो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने देखिए हर पौधा में देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।